हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपने इस वीडियो में संविधान के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इसमें कुछ ऐसे प्रश्नों का संकलन किया गया है जो कि पिछले वर्षों में पूछे जाते रहे हैं और आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जाने की पूर्णतया संभावना है। इसमें हर प्रश्न के ऑप्शन का डिटेल्ड एनालिसिस किया गया है। यह वीडियो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन देखते हैं, समान कार्य के लिए समान वेतन किस प्रकार का अधिकार है? आपका पहला ऑप्शन है मौलिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग। देखते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है वो हमारे संविधान के भाग 3 में वर्णित है और इसके लिए आर्टिकल की बात करें तो 12 से 35 अनुच्छेदों में इसका वर्णन किया गया है। एक मौलिक अधिकार की बात कर लेते हैं जो कि वो संपत्ति का मौलिक अधिकार होता था। संपत्ति का मौलिक अधिकार जिसको अनुच्छेद 31 में रखा गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे मौलिक अधिकार से बदलकर कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसको अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया। कहाँ रख दिया गया? अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया और अब यह एक कानूनी अधिकार है। अब यह एक कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। 44वां संविधान संशोधन हुआ कब था? यह हुआ था 1978 में। कब हुआ था? 1978 में। बात करें अगर मौलिक कर्तव्य की, तो मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिशों पर 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य की अगर बात करें तो यह कितने थे? पहले 10 थे और वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। जो एक बढ़ाया गया वो कब बढ़ाया गया? 2002 में बढ़ाया गया। किस संविधान संशोधन के तहत? 86वें संविधान संशोधन के तहत। कौन सा था? इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया। यहाँ पे एक बात हम और देख लेते हैं कि जब कभी भी बात आएगी 42वें संविधान संशोधन की, तो ये हुआ था 1976 में। जब कभी 44वें संविधान संशोधन की बात आएगी तो ये हुआ था 1978 में। ये याद कैसे करना है? 4-2 होता है कितना? 6, तो यहाँ आता है लास्ट में 6, 1976। 4-4 होता है 8, यहाँ लास्ट में आता है 8, तो 1978। ऐसे याद रखेंगे 4-2-6, 1976 हो जाएगा और 4-4-8, तो ये हो जाएगा 1978। दूसरा याद रखेंगे कि 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, लघु संविधान कहा जाता है। बात करें राज्य के नीति निर्देशक तत्व की, तो यह भाग 4 में वर्णित है और इसके लिए आर्टिकल हैं 36 से 51 के बीच में इसकी बात की गई है। 36 से 51 के बीच में इसकी बात की गई है। इनका कार्य क्या होता है कि यह जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना से मतलब यह है कि राज्यों को छूट होती है यहाँ से अपना विशेष प्रावधान करने की। दूसरा, ये बाध्यकारी नहीं होते। अगर पूछा जाए कि राज्य के निर्देशक तत्व बाध्यकारी हैं तो यह बाध्यकारी नहीं होते हैं। बाध्यकारी नहीं से मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति इनके खिलाफ न्यायालय नहीं जा सकता है। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है? ऑप्शन नंबर ए है 15, 16, 20, 22, 19। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 19। अगर बात करें
अनुच्छेद 15 की, तो इसमें किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, नस्ल और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। अनुच्छेद 16 की बात करें तो इसमें सार्वजनिक पदों पर अवसर की समानता के लिए प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 22 की बात करें तो इसमें कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया गया है। और अनुच्छेद 19 की बात करें तो इसमें डायरेक्टली बोला गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। प्रेस की स्वतंत्रता की अगर बात करें और पर्टिकुलर इसके अनुच्छेद की बात करें तो वह अनुच्छेद होता है 19 का, या 19(1)(a) क्या होता है, 19(1)(a)। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संसदीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। यहाँ पे नहीं है कॉन्सेंट्रेट करेंगे। पहला ऑप्शन है दोहरी संसदात्मक व्यवस्था या होती है, बहुमत दल का शासन होता है, शासन का नेतृत्व प्रधानमंत्री के हाथों में होता है, इस व्यवस्था में राष्ट्रपति द्वारा निचले सदन का विघटन नहीं किया जाता है या नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है, यही आपका सही आंसर होगा क्योंकि इसमें विघटन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संसद किसके मिलने से बनती है। भारतीय संसद किसके मिलने से बनती है, ऑप्शन नंबर ए लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन नंबर बी लोकसभा राज्यसभा द्वारा, ऑप्शन नंबर सी केवल लोकसभा द्वारा, ऑप्शन नंबर डी लोकसभा राज्यसभा सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रपति द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति द्वारा। यहाँ पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे भारतीय संसद, भारतीय संसद का जो गठन किया गया वह अनुच्छेद 79 के तहत होता है। बात करेंगे राज्यसभा की, तो राज्यसभा की जो स्थापना हुई वो हुई 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है। दूसरा देखेंगे कि राज्यसभा के लिए जो आर्टिकल है राज्यसभा के गठन का, वो आर्टिकल कौन सा है, अनुच्छेद 80 क्या है, अनुच्छेद 80 है। दूसरा देखेंगे कि राज्यसभा के लिए जो मैक्सिमम कैंडिडेट होते हैं, मैक्सिमम कैंडिडेट होते हैं वो होते हैं 250, और यहाँ पे 12 कैंडिडेट राज्यसभा में 12 कैंडिडेट नॉमिनेट किए जाते हैं। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, किस अनुच्छेद के तहत, 80 का के तहत राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है, और जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो कितना होता है, 6 वर्ष का। दूसरा देखते हैं लोकसभा, लोकसभा का जो गठन हुआ वो हुआ 17 अप्रैल 1952 को। इसको हम निम्न सदन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, निम्न सदन भी बोलते हैं इसको। इसके लिए जो आर्टिकल होगा लोकसभा के लिए वो होगा 81, जो मैक्सिमम कैंडिडेट होंगे वो होंगे 552। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि जब कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लोकसभा में मैक्सिमम निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होती है, मैक्सिमम पूछे और साथ में एक वर्ड लगा दे निर्वाचित, तो इसका आंसर हो जाता है कितना हो जाता है, 550। तो इसका आंसर कितना हो जाता है, 550 हो जाता है। डायरेक्टली पूछेगा मैक्सिमम तो 552, अगर इलेक्टेड पूछ देता है तो हो जाती है 550। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि यहाँ से 2 कैंडिडेट नॉमिनेट किए जाते हैं, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 331 के तहत, अनुच्छेद 331 के तहत
लोकसभा में दो सदस्यों का मनोनयन किया जाता है जो कि एंग्लो इंडियन समूह के होते हैं। कहाँ के होते हैं? एंग्लो इंडियन समूह के होते हैं। इनका जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 5 वर्ष का, और राज्यसभा का 6 वर्ष का। अब यहाँ पे हम एक बात याद रखेंगे, ठीक से समझते हैं। राज्यसभा होता है उच्च सदन, लोकसभा होता है निम्न सदन। ये याद कैसे रखना है? तो पहले तो देख लेते हैं एक छोटा सा कि जो राज्यसभा का गठन हुआ था वो हुआ था 3 अप्रैल को, लोकसभा का हुआ था 17 अप्रैल को। ठीक है, लोकसभा का हुआ था 17 अप्रैल को। अब यहाँ पर देखते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि जो भी इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, 3 अप्रैल, इसकी है 17 अप्रैल। तो पहले जन्म किसका हुआ? राज्यसभा का। जिसका जन्म पहले होगा वो क्या होगा? उच्च सदन हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और जिसका जन्म बाद में होगा वो क्या हो जाएगा? निम्न सदन हो जाएगा। उसको हम बोल देंगे निम्न सदन बोल देंगे। दूसरा, यहाँ पे एक बात और नोट करने वाली है, इसी एग्जाम्पल से समझेंगे हम लोग। संसद के लिए जो आर्टिकल मैंने बताया, संसद के लिए आर्टिकल होता है 79, राज्यसभा के लिए 80 और लोकसभा के लिए 81। अब देख लें, मान लेते हैं कि संसद क्या है? घर का सबसे बड़ा सदस्य है। तो सबसे बड़ा है उसका सबसे पहले नंबर आएगा, तो सबसे पहले नंबर कौन सा आता है? 79 आता है, तो इसका आर्टिकल होगा 79। उसके बाद किसका जन्म हुआ था? राज्यसभा का हुआ 3 अप्रैल को, तो उसके लिए आर्टिकल आया अगला 80। फिर लोकसभा, उसका जन्म उसके बाद हुआ, कब हुआ? 81 में, 17 को हुआ, तो इसका आर्टिकल हो गया 81। यहाँ से हम स्टेप बाय स्टेप याद रखेंगे, संसद 71, राज्यसभा 80, लोकसभा 81। अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस एक की अध्यक्षता एक ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो कि उसका सदस्य नहीं होता है? यहाँ पर हम देखेंगे इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? राज्यसभा। क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं फिर समझाते हैं। निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो कि उसका सदस्य नहीं होता? अभी मैंने बताया कि राज्यसभा के लिए आर्टिकल होता है वो होता है 80। राज्यसभा की जो अध्यक्षता कौन करता है? यह करता है उपराष्ट्रपति। उप राष्ट्रपति इसकी अध्यक्षता करता है जो कि राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, जो कि राज्यसभा का क्या नहीं होता है? सदस्य नहीं होता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता करता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति के पास हमारे यहाँ कोई काम ही नहीं होता है। और कोई काम नहीं होता है तो किसी को फ्री में तो वेतन दिया नहीं जाएगा। जब फ्री में वेतन नहीं दिया जाएगा तो इसलिए इसको राज्यसभा के अध्यक्ष का कार्य इससे करा लिया जाता है। इसका कार्य केवल इतना ही होता है कि जब राष्ट्रपति ना हो तो उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्य कर सके, लेकिन जब तक राष्ट्रपति है तब तक इसको कौन सा कार्य दिया जाए? तो इसलिए इसको राज्यसभा की अध्यक्षता करने का कार्य दे दिया जाता है, लेकिन ये इसका सदस्य नहीं होता है। अभी लोकसभा के लिए हमने बात किया था, तो लोकसभा के लिए अनुच्छेद कितना था? 81 था। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, यह कहाँ से पता चलता है? तो यह पता चलता है नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा। निर्देशक तत्वों का पहले मैंने बता चुका हूँ कि भाग 4 में दिए गए हैं, और अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में इनकी बात की गई है। अगर प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना का जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। और प्रस्तावना को लिया कहाँ गया, लिया कहाँ से गया है? प्रस्तावना की अवधारणा को लिया गया है अमेरिका से। कहाँ से लिया गया था? अमेरिका से। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन।
निम्न में से कौन से राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पर बना रह सकता है? पहला ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, दूसरा है निर्वाचन आयुक्त, तीसरा है राज्यपाल और चौथा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा राज्यपाल। अब यहाँ पे अगर निर्वाचन आयुक्त की बात की जाए तो निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वह होता है 6 वर्ष या फिर क्या होता है 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। निर्वाचन आयोग की स्थापना जो हुई थी वह हुई थी 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए आपको याद होगा कि जो मतदाता दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि निर्वाचन आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 25 जनवरी 1950 को हुई थी। आगे देखते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जो कार्यकाल होता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसका होता है 65 वर्ष और जो अन्य होते हैं उनका होता है 62 वर्ष। अगर गठन की बात की जाए तो उच्च न्यायालय का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1862 में, सबसे पहले कलकत्ता, फिर मुंबई और फिर मद्रास, कहाँ मद्रास में हुई थी। और जो चौथा उच्च न्यायालय बना था वो बना था 1866 में, कहाँ पे बना था? इलाहाबाद में, जो कि अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। सीधे सीधे पूछा जाता है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो यह हुई थी 1866 में। अगर उच्च न्यायालय के गठन की बात करें तो यह आर्टिकल 214 में दिया गया है, और उच्चतम की बात करेंगे तो वो हो जाता है 124, उच्च हो जाता है 214। या एक निकाल के बाहर रख दें या एक ये निकाल के अंदर रख दें तो हो जाता है 214 और 124। 214 किसके लिए है? उच्च न्यायालय के लिए। 124 किसके लिए है? सर्वोच्च न्यायालय के लिए। अगला देखते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष, तय नहीं। तो इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। कितना होता है? 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। अगर प्रेजेंट में बात करेंगे तो जो कैग के लिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए आर्टिकल होता है वो होता है 148, 148 में इसके प्रावधान किया गया है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और वर्तमान में बात करेंगे तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? राजीव महर्ष हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार रखता है परंतु वोट देने का अधिकार नहीं रखता है, या वोट डालने का अधिकार नहीं रखता है? आपका ऑप्शन है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग के अध्यक्ष, भारत के अटॉर्नी जनरल। तो इसका सही आंसर होगा भारत के अटॉर्नी जनरल। यह जो ऊपर बात कही गई है कि संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार व अन्य कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार रखता है परंतु वोट डालने का नहीं, यह आर्टिकल 88 में प्रावधान किया गया। आर्टिकल 88 के अकॉर्डिंग ही ये होता है। अगर डायरेक्टली पूछा जाए कि यह किस, इसका जो प्रावधान किया गया वो किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो आर्टिकल 88। अब बात करते हैं अटॉर्नी जनरल के बारे में। तो अटॉर्नी जनरल का जो आर्टिकल होता है वो होता है 76 के तहत इसकी नियुक्ति की जाती है। इसके पद को आर्टिकल 76 के तहत दर्शाया गया है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और इसका जो कार्यकाल होता है वो निश्चित नहीं होता है, उसके बारे में कोई प्रावधान नहीं है। वह राष्ट्रपति की जब तक इच्छा होती है तब तक बना रहता है। अगर प्रेजेंट में बात करेंगे तो अटॉर्नी जनरल कौन है? के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल।
अगर यहाँ पे हम वित्त आयोग की बात कर लें तो वित्त आयोग का जो गठन होता है वो आर्टिकल 280 के तहत होता है। इसका जो कार्यकाल होगा 5 वर्ष का होगा। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है पे फोकस करेंगे। पहला है अनुच्छेद 312 लोक सेवा आयोग के कार्य, अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा, अनुच्छेद 112 बजट, अनुच्छेद 15A, अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य। तो इसका जो देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। इसमें जो सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि जो लोक सेवा आयोग के कार्य होते हैं उनके लिए जो आर्टिकल होता है वो होता है 320 और 312। 312 में दिया गया है, वो बोला गया कि अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन होगा। क्या होगा? 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन होगा, और लोक सेवा आयोग के कार्य जो हैं वो आर्टिकल 320 में दिए गए हैं। अगर यहीं पे हम आर्टिकल 315 की बात कर लें तो उसके तहत संघ एवं राज्य में लोक सेवा आयोग की स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए भाग ए संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी भाग दो नागरिकता, ऑप्शन नंबर सी भाग तीन राज्य के निदेशक तत्व, ऑप्शन नंबर डी भाग चार राज्य सरकारें। तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यह सुमेलित नहीं है। अभी मैंने पहले बताया था कि भाग तीन में क्या दिया गया है, मौलिक अधिकार दिए गए हैं जो कि अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में हैं। अगर भाग 6 की बात करें तो यह आर्टिकल 152 से 237 तक है। राज्य के निदेशक तत्व भाग 4 में दिए गए हैं। भाग 2 में नागरिकता दी गई है। अगर आर्टिकल की बात करेंगे तो 5 से 11, और भाग 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र आर्टिकल की बात करेंगे तो 1 से 4। अगला देखते हैं, भारत के संविधान में संवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया? आपका ऑप्शन है आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान से। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से संवर्ती सूची का विचार लिया गया था। अगर हम यहाँ पे बात करें आयरलैंड की, तो आयरलैंड से राष्ट्रपति का निर्वाचन आयरलैंड से लिया गया है, और जो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं वह कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं, जो कि आर्टिकल 80 का के तहत होता है। और आयरलैंड से DPSP राज्य के निदेशक तत्व, वो भी कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए। यहाँ पर एक फैक्ट और जोड़ेंगे कि जो DPSP का प्रावधान था, राज्य के निदेशक तत्व का प्रावधान था, वो आयरलैंड में कहाँ से लिया गया था? तो वो आयरलैंड में लिया गया था स्पेन से। स्पेन से कहाँ पहुँचा? आयरलैंड। और आयरलैंड से कहाँ पहुँचा? भारतीय संविधान में। यहाँ पर अगर हम कनाडा की बात करें तो कनाडा से संघात्मक शासन, राज्यपाल की व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियाँ। अगर बात करें अवशिष्ट शक्तियाँ क्या होती हैं, तो वो ऐसी शक्तियाँ जिनके बारे में कोई भी प्रावधान नहीं है, और अगर कभी ज़रूरत पड़ जाती है उसके बारे में कोई प्रावधान बनाने की, उनको हम बोलते हैं अवशिष्ट शक्तियाँ। अगर जापान से बात करें, जापान से विश्व द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है। अनुच्छेद 40 का निर्देश देता है कि ग्राम पंचायत का संगठन करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर कितना सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ग्राम पंचायत का संगठन करें। ग्राम पंचायत किस में आता है? आर्टिकल 40 में आता है। पर्यावरण की रक्षा आता है आर्टिकल 48 का में। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12, 15, 14, 2। तो इसका सही आंसर क्या होगा? राज्यसभा में पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर होगा 12। फिर से एक बार याद दिलाता हूँ, किस अनुच्छेद के तहत? 80 का के तहत। राज्यसभा किस अनुच्छेद में आता है? राज्यसभा आपका आता है अनुच्छेद 80 में, संसद आता है 79 में, लोकसभा आता है 81 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को कहा जाता है, ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? अपर हाउस यानी कि उच्च सदन को क्या कहा जाता है? इसका आंसर आपको आ रहा होगा क्योंकि अभी मैं पीछे डिस्क्राइब कर चुका हूँ। इसका सही आंसर होगा लोक सभा नहीं होगा, क्या होगा? राज्य सभा होगा। इसका आंसर क्या होगा? राज्य सभा। ऊपरी सदन क्यों बोला जाता है? इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक से याद करने का तरीका बताया था। इनकी डेट ऑफ बर्थ याद कर सकते हैं, 1 की 3 अप्रैल और लोकसभा की 17 अप्रैल। जो पहले आया वो उच्च सदन, जो बाद में आया वो निम्न सदन। इसी प्रकार से आर्टिकल, जो पहले आएगा उसका नंबर पहले लगेगा, संसद का 79। आगे बढ़ते हैं, राज्यसभा 80, फिर आगे बढ़ते हैं लोकसभा 81। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी अपलोड किया जाएगा। साथ ही ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।